हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैमिली गोल्स। आज अद्दू जाने वाली है नानी के घर से दिल्ली। यहाँ खा रही है अद्दू रसगुल्ले। खा रही है क्या? खा रही है आज अद्दू के एकदम मनपसंद वो मिठाई मिल गई है ना अद्दू। मैं नानी के घर से इतनी जल्दी क्यों जा रही हूँ उसका रीजन आपको मम्मी बताएंगी। मतलब अभी परसों आई, तब तक आज जा भी रही हूँ उसका रीजन ना, क्योंकि इसकी पढ़ाई पीछे हो जाएगी। मेरा कॉम्पिटिशन है, तैयारी करना है इसको, इसलिए 25-26 तारीख। और इसके जाने के लिए करे टिफिन में मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे मैक्रोनी चाहिए। तो गाइज मैं आ गई हूँ मैक्रोनी बनाने किचन में। मेरा पानी गरम हो रहा है, अभी इसको बॉयल करूँगी। इसके बाद मेरा 2 दिन कॉम्पिटिशन है, 25 जून और 26 जून को, तो इसीलिए मेरे को 2 दिन में जाना। और चलो फिर आ जाना कभी। अंधेरा लग रहा, पता नहीं खा चुकी नहीं। आधा मैं तो ये देखो किचन कितनी बढ़िया जगह है, ठंडी ठंडी हवा आती है। लेकिन लाइट जलने के बाद भी देखो अंधेरा लग रहा है ना। वो वीडियो में पता नहीं कैसे आ रहा था। मैकरोनी के साथ खेलने में बड़ा मजा आता है। मैकरोनी के साथ खेलने में बड़ा मजा आता है, मेरे तो हाथ भी साफ है। अद्दू तब से कितना खा चुकी जब से आया है? पहला ही है मेरा। हाँ, और वहाँ भी तो खाई थी जब मम्मी पूछी थी, मना कर दी थी तुम। कहाँ खाया था ये? खाने के बाद आम खा लेना, कल्पना दीदी भेजी है तुम्हारे लिए। आम नहीं मिला मुझे, दीदी भेजी है, मम्मी से मांग के खा लो। ओए ये क्या आम ही है? कहाँ? हाँ वही आम भिगाए हैं मम्मी खाने के लिए। जरूर खा लेना, नहीं तो लोग पछताएंगे। ओके चीनी ना हो, देख लो नमक है, नमक पक्का। हाँ पहले डालूंगी इसमें नमक, थोड़ा सा ऑयल, इसको बॉयल कर लूंगी। कितनी गर्मी लग रही है। पंखा ले लो, पंखा कोई बुला रहा है? आ रही हूँ। मम्मा इसको निकालो ना, और निकल गया। क्यूट सा पंखा, हवा दे रहा है। हाँ यही इतना क्यूट सा पंखा किचन के लिए। मनीषा लाई है? पता नहीं। हाँ मनीषा दीदी लाई है। अच्छा स्टैंड है? नहीं स्टैंड नहीं है, ये ऐसा होता है कि ऐसे करके इसको ऐसे कहीं पे भी लगा सकते हैं। अच्छा बोलो माऊ, कह दो मौसी काट लूंगी मैं। हाँ नहीं तो टच करने में डर लग रहा है, कह दो मौसी काट लूंगी। सॉफ्टी सॉफ्टी है, काट लू वही। नहीं भैया राजा है ये छाप छुआ बहुआ का ली है मैक्रोनी। इसे इस करके बताओ तुम्हें पैक कर दूँ? नमक नमक टेस्ट करो थोड़ा थोड़ा, बस बहुत अच्छी लगती है। नमक टेस्ट कर बताओ। फॉर्क चम्मच से पहले कर लो, पता नहीं कहाँ मुझे ढूंढना पड़ेगा। ओरिगेनो चिली फ्लेक्स नहीं डाली? सब चीज़ डाली है। अच्छा एक नंबर। मामा को भी टेस्ट करा देना, साक्षी दीदी को भी। गाइस मैक्रोनी बन गई है, अब मैं थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी इसके बाद पैक करूँगी। पहले टेस्ट करके बता दिया है उसको अच्छा लगा है, थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी फिर पैक करूँगी। तब तक उसका बैग वैग देख लूँ, वैसे तो पैक कर लेती है फिर भी देख लेती हूँ थोड़ा सा। बाबू वीडियो बन तो साथ देखो, कुछ छोड़ना मत।
गंदू ये गंदू है, ये गंदू है, ये बहुत गंदू है, ये बहुत गंदू है, वो गंदू, ये धूपू है, ये धूपू है, वो गंदू है। अरे तू तुम्हें देख रहा है, वो गंदू है, सोच रहा है मेरी मौसी जा रही है। मौसी को तू नहीं ले रही भैया को। अच्छा तू तो मौसी लग रही है। तू नहीं ले रही मौसी, मौसी गंदी है, मौसी गंदी है, नहीं ले रही भैया को, भैया को तू नहीं ले रही, गंदी है। तुम बुलाओ, अदू तुम बुलाओ, अदू गंदी है। कैसे जाएगा बाबू, बाबू अदू को तू थक गया क्या बाबू, अदू को तू नहीं ले रही भैया को, गंदी मूछी है। अब ना देखा का वीडियो पर देखा कितना नहीं ले रही है। फोन कर देना एक दिन पहले जब कट कट कराना हो, ठीक है? ठीक है, इसमें तुमको दोबार को मैं बोल दूंगा, ठीक है? आधार कार्ड अपना भेज देना, अभी करवा देंगे। जाएगा हाई देखा, हाई देखा। अब कब आओगी अद्दू? अद्दू नानी का दीदी तो बैठी रह गई। छू लो भाई, बड़ी दीदी है, पैसा दिए तुम्हें, छू लो अद्दू। बीस साल क्या, 18 साल गाइस जद्दू चली गई और बहुत मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी बेटी चली गई, यहाँ आज खाने डिनर में बना है किस चीज़ का कोफ्ता, कटहल का कोफ्ता बना है, चावल रोटी अभी मैं दिखा रही हूँ, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, लग रहा कितना चला के दिखाऊं मनीषा, यह कटहल का कोफ्ता और रोटी चावल। गाइज ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की वीडियो है, हम लोग आए हैं मंदिर, मैं आई हूँ, मेरी एक दीदी है और दीदी की लड़की है। ये आजमगढ़ स्टेशन के पास ही मंदिर है, यहाँ आने के बाद इतना ज़्यादा सुकून मिलता है, इतना अच्छा लगता है। तो दीदी की लड़की बोली कि चलो मौसी आज मंदिर चलते हैं, शिव जी का मंदिर है। हम लोग मंदिर आ गए हैं, दर्शन कर रहे हैं, वीडियो ज़्यादा नहीं बना पाई हूँ। एक लड़की छोटा सा बच्चा था उसको दी थी बनाने के लिए, उसको जैसे आया वैसे बनाया है। और यहाँ भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, शनिवार का दिन था, शाम का टाइम है। हम लोग पूजा करने के बाद यहाँ कीर्तन भी हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, तो कीर्तन में थोड़ी देर बैठे, इसके बाद फिर घर गए हम लोग। छोटू बाबू भी आया था, अभी वीडियो में आगे आएगा। इतना क्यूट है वो, इतना अच्छा, यहाँ इतना मंदिर में आने के बाद इतना ज़्यादा खुश था वो, मतलब बिल्कुल उसको किसी चीज़ से मतलब नहीं, अपने आप खेल रहा था।
थोड़ा सा कूलर बंद करो रिमी, तब और अच्छी आवाज बाबू की आएगी वीडियो में। मेलू, ए मेलू, चल जा तुम है नीची का जो भाई। वो समझ गया कि वीडियो बन रही है उसकी। बुलाओ माधव, बोलो माधव। माधव का नाम है ना, तो माधव काहे बोला है? माधव नाम है, बोले पुनु नाम है मेरा। पुनु ये बच्चे कुंची को पुनु जे जी को जी पुनु जे पुनु जे पुनु पे कौन है? राजा बाबू है, राजा बाबू। लाला है, लाला है की है भाई वचन में वचन रशो नहीं भाजी जी जा बस का बाबू बस में। हां बाबू बस में मतलब मिल्क लेके गया था, ऐसा नहीं है। जापुनु आवा जे जापुरु जे जी जाइए हम सोचे ने खड़ा करो लकी, खड़ा करो भाई बे खड़ा जा भाई। आई जान तो उनका मत तेरी टिंकू हम नहीं कर रहे हैं। मेरा फोन इसको दिखाओ, देखो कितना खुश होगा। देखो भाई बाबू माधव बाबू माधव नहीं है, ये डुग्गू है, डुग्गू ये पुन्नू है, देव देवकली है। गाइस हम लोग गए थे मंदिर और मंदिर से आ भी गए हैं, रात हो गई, चेंज वगैरह कर लिए हैं। यहाँ मनीषा बना रही है खाना। खाना का काम दाल बन गई, सब्जी बन रही है। दाल मनीषा कुकर में कटहल उबाल, कटहल आज मनीषा बनाएगी कटहली की सब्जी। और मंदिर के वीडियो बहुत कम बन पाई है क्योंकि कोई बनाने वाला नहीं था। मनीषा शिखर थोड़ा बहुत बनाया है। अच्छा हो गया। मैं अपनी वीडियो मैं दो दिन से शुरू करी हूँ और एंड नहीं कर पाई हूँ। आज मैं अपनी वीडियो का एंड कर रही हूँ। मेरी वीडियो आप लोग को कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताना। और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। कुकर सीटी अभी तक दे रहा है।